हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक को एक्सप्लेन करना मतलब मेरी तो कोई पात्रता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्तों को, एक जीव को, इस भौतिक जगत में रहो या आध्यात्मिक जगत में रहो, उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित रहना है। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी है ना, हम जानते हैं क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जो फिलोसॉफी है, इसको भक्त कैसे अनुपालन पालन करते हैं अपने जीवन में, और कैसे अपनाते हैं, और कैसे हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, हमेशा भक्तों को स्मरण करते हैं, ये इस श्लोक से हमें सिखाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जो ये जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है अपनी स्वाभाविक स्थिति को रखना, इसको श्रील रूप गोस्वामी भी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताते हैं, अनेक अनेक उदाहरणों के साथ में, अनेक श्लोकों के साथ में। ऐसे भगवत गीता में भी भगवान हमें समझाते हैं कि हमें अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल आप मुझे अगर शरणागत होते हो तो क्या करेंगे, मैं आपके सारे पापों को नष्ट करके आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, और मैं आपको संरक्षण प्रदान करूं, सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने वाले भक्त है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो जीव है उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति बनाना बहुत ये है, मतलब एक तरह से आसान भी है और एक प्रकार से कहे तो थोड़ा कठिन भी है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम माया के जो प्रकृति के जो नियम है, तीन प्रकार के गुण है, इसके कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। और देखा जाए तो ये बहुत सरल भी है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए पांच प्रकार के जो कार्य है या पांच प्रकार के जो दिव्य वस्तुएं है, भगवान ने हमारे लिए छोड़ रखी है। जैसे माता जी ने कल हमें लोगों को बताया, क्या क्या है वह पांच प्रकार के दिव्य वस्तुएं, किसको याद है? तुलसी, धाम, ग्रंथ, एसोसिएशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सी हाँ यस, और यस उदाहरण का माता जी, तुलसी जी, यमुना, हाँ धाम, बिल्कुल भागवतम और भक्तों का संग। सही, हाँ यस, दोनों मैंने सही बताया है। और ये जो पांच प्रकार की जो दिव्य वस्तु है, इसको हम संग करके, इसका एसोसिएशन पाके हम भगवान, जो हमारी स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए और भी पांच प्रकार के जो भक्ति के अंग है, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया कि हरि नाम का जप निरंतर करना है, जैसे यहाँ पे भी बताया कि भक्तों की संगति करना है और उनकी सेवा भी करना है। तो सेवा कैसे करनी है? श्रीमद् भागवतम को सुन के, जो भगवत गीता है, भागवत है, उन ऐसे शास्त्रों को सुन के सेवा होती है। और दूसरा बताया जाता है कि अर्चा विग्रह की सेवा से हम वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और तो लास्ट में बताया गया वृंदावन, मथुरा, द्वारका जैसे धाम है, उनको वास करने से हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि ये बहुत, मतलब इसलिए यहाँ पे कह रखा है ना कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपना स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात और भी, एक महर्षि है नारद महर्षि, उन्होंने भी अपनी पंचरात्र विधि का जो ग्रंथ है उसमें भी बताया कि कैसे अपने जीव को मूल स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब इस भौतिक जगत में रहो या आध्यात्मिक जगत में रहो, कार्य तो एक ही करना है, क्या है, भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा से हम दूर हटते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, तो हम दुख भोगेंगे। और हमें क्या है, हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये हम जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो ये अपने आप मूल स्थिति पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि जो भक्त है ना, वो किसी भी चीज की कामना नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि भगवान, भक्त की एक ही इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है, भगवान का संग करना चाहते हैं, भगवान के भगवत भक्तों के शुद्ध भक्तों का संग करना चाहते हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं। ये तो भगवान की ये कामना है, मतलब ये जो इच्छा होती है, ये मूल इच्छा है।
लेकिन भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत में भोग ऐश्वर्य का अगर हम इच्छा करते हैं तो वो उससे क्या होगा, हम गलत मार्ग में पड़ जाएंगे। मतलब क्या होगा, हम भगवान से दूर चले जाएंगे। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 8 प्रकार के सिद्धियां है, जो अष्टांग योगी है, अष्टांग योग के द्वारा जो योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है, उससे क्या होता है, भोग ऐश्वर्य के कारण वो और भी भोग में लिप्त होता जाता है। मतलब सिद्धियां पाने से क्या हो जाता है, अगर एक किसी योगी को बड़ी बड़ी सिद्धियां हो गई, जैसे वो अनिमा लगेमा होते, मतलब वो कोई वस्तु को छोटी करना या बड़ी करना या वशीकरण या काम वसीयता, और भी सारी जो 8 प्रकार की सिद्धियां है वो प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है, वो वापस आके इस समाज में आता है, मनुष्य जीवन में, और बड़े बड़े चमत्कार करने लगता है, राइट। इस अभी तो हम कलयुग में ये सब देख रहे हैं। दैट मीन्स क्या, कि इससे क्या हो जाता है ना, कि लोग कलयुग के लोग कैसे है ना, कि जो चमत्कार है तो उसको नमस्कार करने वाले हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, उनको यश मिल जाता है। यश मिलता है तो यह जब ये सारे चमत्कार करता है तो यश मिलता है, और धीरे धीरे लोग क्या होता है, सामान्य जन क्या अज्ञानी होते हैं, अज्ञान के कारण वो क्या होता है, इसी को भगवान मान लेते हैं, और क्या कहते हैं, भगवान मान के दान दे, धर्म देना, दान करना, उनके धर्म है वो सब करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का अज्ञान के कारण ये जो योगी है, जो भगवान के जो ऐश्वर्य है, जैसे यश जो है भगवान का ही ऐश्वर्य है ना, जैसे हम कहते हैं भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, और ये यश अगर किसी को, योगी को प्राप्त हो जाता है, तो वो उसको क्या मानता है, मैं ऐश्वर्यवान बन गया, मतलब मेरा यश हो गया, मेरे पास इतना धन हो गया, तो इस प्रकार से वो भोग करने की इच्छा करता है, ये योगी के लिए हुआ। लेकिन सामान्य जन भी जब मंदिर में जाने की इच्छा करते हैं, भगवान की या किसी देवी देवता की पूजा आराधना या कुछ भी सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी एक ही, उनका यही कामना होती है ना, कि मैं ऐसे भक्ति करूंगा, आराधना करूंगा, तो मुझे कुछ फल की प्राप्ति होगी। जैसे सकाम कर्मी है, कर्म कांड करते हैं, जो भी वेद में बताए गए हैं वो भी करने करने से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है, और फिर क्या होता है, स्वर्ग में जाने पर हम कैसे कैसे भोग कर सकते हैं। जैसे वहां पे नंदन कानन है, वहां में उस कानन में हम भोग विलास कर सकते हैं, अप्सराएं है उनके साथ हम भोग कर सकते हैं, और कैसा है, इस भौतिक जगत से भी बढ़कर वहां पे वहां का ऐश्वर्य है। जैसे हम देखते हैं ना कि स्वर्ग लोक के निवासी है, पूरा उनका आसन से लेके जो दास दासियां है या महल है, उनके जो भी भोग ऐश्वर्य के सामग्री है, वो बहुत ऐश्वर्य है वहां पे। तो भगवान के वो ये सारे भगवान के ही ऐश्वर्य है, लेकिन अज्ञानी ये जानते नहीं है, वो अज्ञान के कारण लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे ऐश्वर्य मिल, ऐसा प्राप्ति जब हम होती है तो हम सुखी बन जाएंगे, लेकिन अज्ञान यही है कि क्या इस प्राप्ति से हम सुखी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं ना, क्यों क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि इस जीवन या उस स्वर्ग में हो या उच्चतर लोकों में, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि अगर इसके लिए, ये ऐश्वर्य बनने बनने के लिए हमें ज्यादा परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका चले जाता है, और जैसे अमेरिका कैसे है, बहुत संपन्न है, मतलब बहुत वहां पे बहुत विपुल मात्रा में धन उपलब्ध है, तो बड़े आसानी से वो ऐश्वर्यवान सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और अपनी इंद्रिया का भोग कर सकता है, तो इसके लिए वो ज्यादा परिश्रम नहीं करता है। ऐसे ही अगर उच्चतर लोक में जाता है तो उसको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उसको आसानी से वो सारे ऐश्वर्य वहां पे प्राप्त होते हैं। लेकिन वो ऐश्वर्य कैसे है, अशाश्वत है, वो क्षणिक है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बता रहे, उच्च लोक में जाने दो, स्वर्ग लोक में जाने दो, जनन लोक में जाने दो, तपन लोक में जाने दो, ये क्या है, ये सारे के सारे 14 भुवन कैसे है, भौतिक जगत है, और इसका प्रलय होने वाला है, इसका नाश होने वाला है, कैसे है, आ ब्रह्म भुवना लोका, ये सारे जो 14 लोक है इनका प्रलय होने वाला है, ये भौतिक जगत में है, वहां पर भी ये सारे 4 प्रकार के जो जो दुख होते हैं वो वहां पे हमें देखने को मिलते ही है, भले ही वहां पे बुढ़ापा या जरा व्याधि है वो कम मात्रा में है, लेकिन मृत्यु तो बना ही रहता है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि चंद्रलोक का कितना आयु बताया गया है,
यहाँ पे बताया गया कि चंद्रमा में जीवन की अवधि ऐसे है कि हमारे 6 मास वहां के दिन के 1 दिन के तुल्य है। तो हमारे 1 दिन चंद्रमा का 6 मास होता है, इतनी लंबी आयु है। और ब्रह्मा, हाँ उल्टा बोला शायद मैंने। हाँ, तो यहाँ का जो 6 मास है, ये चंद्रमा का 1 दिन बताया गया, चंद्रलोक में 1 दिन होता है। तो ये यहाँ पे हम सोच सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां पे चंद्रलोक में जाके 100 साल बीता है, जीता है, तो कितनी आयु होगी। तो मतलब ये इससे क्या हो जाता है, लोग विमोहित हो जाते हैं। ये सकाम कर्मी या मोक्षकामी या ये जो योगी होते हैं, ये सब सुन के, वेद शास्त्र पढ़ के, ये सुन के क्या हो जाता है, मोहित हो जाते हैं वेद से। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्त है वो कभी भी ऐसी कोई कामना नहीं करता कि मैं इतनी लंबी आयु तक जीऊं, या मैं ऐसे भोग का, ऐश्वर्य का भोग करो, या लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे भोग करने से भी कितना जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भोग करने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वो निराश हो जाता है। ये जो जीव है ना, वो हताश हो जाता है कि कितना साल तक मैं भोग करता रहूं। लेकिन ये जीवन कर चक्र, जैसे यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, क्या है वो श्लोक, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवता भक्ति भक्तिर अहेतुकी तोई, भवता भक्तिर अहेतुकी तोई। ये भक्त क्या करते हैं, भक्त की कामना क्या होते हैं, उनको न तो धन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कोई कामना करते हैं। वो क्या चाहते हैं, भक्ता त्वयि अहेतुकी, वो क्या करते हैं, केवल त्वयि मतलब आपकी, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और कैसी सेवा, अहेतुकी, बिना कोई कामना के, कोई इच्छा के, अहेतुकी सेवा करना चाहते हैं। और कैसे, जन्मनी जन्मनी मतलब इस जीवन में देखते हैं हम 84 लाख योनियां है, तो आप मतलब यहाँ पे एक प्रकार से बताया जाता है कि भक्त चाहे कितना भी जन्म मिले, किसी भी योनि में जाए, लेकिन वो क्या करता है, इच्छा एक ही करता है कि मैं आपको स्मरण करता रहूं, मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके चरण कमलों में मैं पड़ा रहूं, यही भक्त की कामना होती है। और यही यहाँ पे इच्छा, भगवत भक्तों की इच्छा होती है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि वो ना तो कोई किसी की धन की, सुंदर की या ऐश्वर्य की कोई कामना नहीं करते हैं। और वो बिना किसी कामना के भगवान की जन्मों जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक सेवा करना चाहते हैं। और ये कब होता है, जब ये स्थिति कब आती है जीव में कि मैं केवल आपकी सेवा करता रहूं जन्म जन्म, जब एक भक्त, एक व्यक्ति अपने गुरु के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करते हुए, सारे सिद्धांतों को अपनाते हुए, जीवन में अनुशीलन करते हुए, धीरे धीरे शुद्ध आत्मा के, शुद्ध की हृदय का शुद्धिकरण होता है, और वो समझता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं क्या हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, और मेरी स्थिति क्या है, भगवान की सेवा करना। और मैं जब भगवान को, अपने आप को अर्पित करता हूँ, तब ये स्थिति आती है कि मैं भगवान के साथ सेवा करूं। और ये जन्म जन्मांतर, चाहे कीट हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, या मनुष्य जीवन क्यों ना हो, मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा, ये स्थिति आती है जब वो अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध समय में अर्जुन ने किया था, अपनी रथ का लगाम भगवान के हाथ में सौंप दिया था, और भगवान को बोला कि जहां भी आप ले जाएंगे मैं वहां पे उस प्रकार से जाऊंगा और उस प्रकार से युद्ध करूंगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने अपनी जीवन की लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी है, ऐसे ही हमें अपने जीवन की लगाम की जो डोर है भगवान के हाथ में देनी है, और भगवान हमें गाइड करते रहेंगे कि हमें कैसे करना है और क्या करना है। गुरु तो बाहर से हम मार्गदर्शन करेंगे, करते ही है, क्योंकि गुरु भी कौन है, भगवान के प्रतिनिधि है, और भगवान अंदर से चैत्य गुरु के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। और तीसरे है शास्त्र, शास्त्र भी क्या है, ये शास्त्र है भगवान के शब्द अवतार है, तो मतलब इस शास्त्रों को भी हमें बहुत
सावधानी पूर्वक हमें संभाल के रखना है, जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के या भगवान के जो अर्चा विग्रह है उनकी जैसे हम सेवा करते हैं या उनको बहुत संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों को भी हमें संभालना है। हाँ, ये यहाँ पे वो इस प्रकार से जो भक्त है समझता है कि गुरु क्या है, गुरु की स्थिति, शास्त्र कैसे है, और भक्त जो हमारे हम अपनी स्थिति को वो समझ पाता है। कैसे वो अभी यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ये जो शास्त्र है ये क्या है, भगवान के शब्द है और इनको भगवान से अलग नहीं कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई ज्वेलरी है और किसी को संभालने के लिए देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक संभाल के रखते हैं कि वो टूटे नहीं, फूटे नहीं, या उसमें कोई छेद ना हो जाए या कोई सुराख ना हो जाए, इसके लिए बहुत संभाल के हम रखते हैं। उसी प्रकार जब अपने आप को जब हम भगवान के सुरक्षा में दे देते हैं तो वैसे ही भगवान हमारी सुरक्षा हाँ करते हैं कि कोई ये भक्त है ना कहीं डेविएट नहीं हो जाए, कहीं उसके मन में कोई विचार ना आ जाए, कोई भौतिक भोग की कामना ना आ जाए, कोई इच्छा ना हो, इस प्रकार की सुरक्षा भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के जो शब्द है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण हो जाए, जब भक्त शरणागत हो जाता है तो और क्या कहते हैं, मोक्ष इच्छामि मा सुच, सारे उपाधियों से मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा, ये भगवान के शब्द है। और भगवान क्या बोलते हैं, इसको अर्जुन तुम बोलो, भगवान स्वयं नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, जब भक्तों की सुरक्षा की बात आती है और भक्त अगर कोई वचन देता है तो मुझे वो शब्द भक्त का, एक भक्त का सुरक्षा भी करना है और दूसरे भक्त के वचन को भी पालन करना है, राइट। जैसे कि हम लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देखा कि उनको क्या करना था, अर्जुन का भी प्रोटेक्शन करना था और भीष्म पितामह के शब्दों का भी पालन करना था, राइट। क्या किया था वहां पे, जैसे अर्जुन की तो सुरक्षा करनी है, लेकिन यहाँ पे भीष्म देव ने क्या प्रतिज्ञा की थी, आज तो या तो मैं पांडव को मार दूंगा या तो फिर मैं खुद मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, मैं मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा, या तो भक्तों को मारूंगा, मतलब अर्जुन को मार दूंगा या कुछ ये करूंगा, या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि भगवान को शस्त्र आज उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, तो मैं मारने वाला हूं। अब मैं देखता हूँ भक्त भगवान अपने शब्दों को रखते हैं या भक्तों को रक्षा करते हैं, ये मैं देखना चाहती हूँ। मतलब ये स्थिति, मतलब ये जो होती है ना मन स्थिति, यहाँ पे जो शौर्य का वर्णन हो रहा है भीष्म देव के द्वारा, कि एक तरह से अर्जुन की रक्षा करना है, इनके जो भीष्म पितामह के शब्दों का भी पालन कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, दोनों भी करते हैं क्या, एक तो अर्जुन का भी सुरक्षा करते हैं और क्या करते हैं, उन्होंने वचन लिया था मैं कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और क्या करते हैं, रथ का पहिया उठा के पितामह भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ही ये पिक्चर उनको दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ उठा लिया है मुझे मारने के लिए दौड़े हैं, तुरंत भीष्म पितामह सारे जो धनुष है बाण है वो छोड़ देते हैं और खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने हाथ छोड़ के, और ये क्योंकि ये देखना चाहते थे है भीष्म पितामह कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, और मेरा भी शब्द का वचन उन्होंने पालन किया कि मुझे भी उन्होंने ये किया, अपने शब्दों का पालन किया, ये देखना चाहते थे। मतलब वहां पे भक्त वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे भीष्म पितामह, तो ये बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये होता है, मतलब ये भक्त की स्थिति है कि वो क्या चाहता है, मतलब भगवान के साथ में वो किस प्रकार का आदान प्रदान करना करना चाहता है, ये भक्त की कामना होती है। ये सारे भौतिक ऐश्वर्य, ये धन ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला, ये सब नहीं चाहता, यहाँ तक कि भगवान का भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है। जैसे पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा ना, बिल्वा मंगल ठाकुर क्या करते हैं, ये जो मुक्ति है ना, पांच प्रकार की मुक्ति, वो क्या करती है, शुद्ध भक्त के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है,
हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, ये पूछती है वो मुक्ति। ये जो पांच मुक्तियां है वो भक्त के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और पूछती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये भक्त की कामना होती है, ये भक्त की स्थिति होती है कि वो कभी नहीं चाहता है कि कोई मेरा ये सेवा करे या वो सेवा करे। और जैसे कि हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में मनुष्य के पास अगर बहुत ऐश्वर्य है, धन है, तो वो सोचता है कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, वो है। हो सकता है उसके या 4 या 5 या 10 15 बैंकों में बैलेंस हो सकता है, करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। वो बोल सकता है कि हाँ मैं इतना अब्जपति हूँ, करोड़पति हूँ या इतना ऐश्वर्य है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि इस जगत में जितना भी बैंक है उसमें जितना भी पैसा है वो मेरा है। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, केवल वो भगवान ही बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान ये बोल सकते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितना भी ऐश्वर्य है वो मेरा है, ये बोलते हैं भगवान। और इसका पुष्टि यहाँ पे मिलता है हम लोगों को भगवत गीता के 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, अथवा बहुने तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन मिष्टव्याहम एव कृष्ण, क्या है वो श्लोक, एकांशेन स्थितो जगत। ये जो जगत है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, वो मेरा एक अंश के द्वारा ही निर्देशित होता है, उससे ही बना हुआ है। इसको कैसे समझते हैं कि जो शास्त्र है वेद में बताया जाता है कि जो भगवान है उनके उच्छवास से या रोमकों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उनमें से एक है राइट। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, और ये सारे असंख्य ब्रह्मांड को भी पालन करने वाला कोई होता है, और वो होते हैं ब्रह्मा जी राइट। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप ये ब्रह्मांड क्रिएशन, मतलब मैंने उत्पत्ति की है लेकिन वहां पे सृष्टि आपको करनी है, तो इसलिए वहां पे उनके अधिकारी बताए गए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का स्वर्ग लोक, जो स्वर्ग लोक नहीं, सर्वोच्च लोक जो है उसको भी अगर हम ब्रह्मलोक में भी जाते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि ब्रह्मा की भी जो आयु है वो कभी न कभी शून्य होने ही वाली है। दैट मीन कि ब्रह्मा जी की भी आयु क्षीण होने वाली है, ब्रह्मा भी शाश्वत नहीं रहने वाले। और कैसे बताए जा रहे हैं ब्रह्मा की आयु कितने हैं? जो 4 युग है उनको जब 1000 गुना हो जाता है तब वो ब्रह्मा का 12 घंटे होते हैं। 4 युग मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू 12 आवर्स राइट। ये भगवत गीता में बताया जा रहा है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं अगर ये ब्रह्मा की आयु को आप मानते नहीं है अज्ञान के कारण, क्योंकि हम यहाँ पे भगवत गीता का इतना सारा विश्व भर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और आप पढ़ते हो, लेकिन अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं तो आपको बुक पढ़ने का, बुक को भगवत गीता को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। इतने कड़े शब्दों में श्रील प्रभुपाद भक्तों की निंदा करते हैं कि आपको इस शब्द में अगर विश्वास नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवत गीता को आप स्पर्श करें। ये श्रील प्रभुपाद के वाक्य है। और यहाँ पे बताया गया कि ये भगवत गीता जैसे जो शास्त्र है, भागवतम जैसे जो शास्त्र है उसके शब्दों पर हमें विश्वास रखना चाहिए, और उसकी जो विश्वास है उसके आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि भगवान की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि ये शास्त्रों में पूरा दिया गया है। ये जनल लोक है, तपर लोक है, ये सारे क्या है, ये भौतिक जगत में है। और हम भक्त क्या चाहता है, वैकुंठ जगत में जाना चाहता है, लेकिन वहां पे जगत में, वैकुंठमय जगत में जाने के बाद भी क्या करना है, भगवान की सेवा ही करनी है। तो भगवान के भक्त बोलते हैं वहां पे भी हमें ये सेवा करनी है और यहाँ पे भी करनी है। दैट मीन्स वो अहेतु की भक्ति चाहते हैं, कोई भी किसी भी यहाँ पे इच्छा नहीं रखता है भगवान के भक्त। और क्या भी बताया जाता है कि अगर कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान है वो अपने ज्ञान के आधार पर सोचना चाहता है कि हाँ ये सूर्य लोक या चंद्र लोक या ब्रह्म लोक सोच सकता है कि कितना बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं जो कूप मंडूक होता है राइट। कूप मंडूक आप जानते हो ना, जो कुएं में एक मेंढक होता है और वो सोचता है कि
ये जो जगत जो, उसको पता था कोई दूसरा दूसरा मेंढक आके बताते हैं, अरे मैंने वहां पे देखा, वहां पे ना इतना बड़ा समुद्र है, तो अभी ये जो कूप में रहने वाला मंडो के उसको मालूम ही नहीं है, उसने कभी देखा नहीं है समुद्र, क्योंकि वो कूप से कभी बाहर आया ही नहीं है। तो वो सोचते, वो बताता है हाँ कितना बड़ा होगा, हाँ ये जो हम लोग यहाँ पे रह रहे इससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना हो सकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वो ये जो है ना उसको हम नाप भी नहीं सकते, वो इतना बड़ा है। लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। तो उसी प्रकार इस जगत में, हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि ये जो भगवान को न मानने वाले जो विद्वान है, दार्शनिक है, वो क्या सोचते हैं, भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ये हो सकते हैं, मतलब वो अपने मानसिक विचारधारा से भगवान को इमेजिन करते हैं कि भगवान ऐसे हो सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप इमेजिन करो। भगवान को कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, जब तक आपको शास्त्र की दृष्टि नहीं है तब तक आप भगवान को नहीं समझ सकते, ये बात श्रील प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं। और अगर आप भगवान को इमेजिन नहीं कर सकते तो उनका ऐश्वर्य आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। लेकिन इस भौतिक जगत को ऐश्वर्य को देखकर वो मोहित हो जाते हैं और अलग अलग मार्गों में चले जाते हैं, और उनका क्या होता है, पतन हो जाता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत में जो लोग हैं वो बड़े बड़े अपुलंस या ऐश्वर्यवान चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कितना भी धन ऐश्वर्य क्यों न हो, लेकिन वो कभी भी नाश होने वाला है, चाहे शक्तिशाली हो, बलवान हो, कुछ भी हो। तो कैसे होता है कि भगवान उनके लिए ऐसे अभक्तों के लिए क्या होते हैं, मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ हर लेते हैं, और उनको वो पता ही नहीं चलता कि कैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन भक्त को ये सब कुछ ज्ञान होता है और जानते हैं भगवान की स्थिति क्या है, भगवान कैसे है, अजित है। अजित मतलब भगवान कभी भी किसी के द्वारा जीते जा नहीं जाते हैं, भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन क्या सही में ऐसा है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, जीत सकते हैं हम भगवान को? बिल्कुल डिवोटी जीत सकता है, जीत सकते हैं। बिल्कुल यस। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब भगवान को अगर जीतना है तो जो भगवान के शब्द है, भगवान की वाणी है, गुरु है, साधु है, शास्त्र है, उनके आदेश के अनुसार अगर हम पालन करते हैं तो भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि अर्जुन ने भगवान को स्वीकारा था, जबकि दुर्योधन ने क्या कहा था, हे भगवान आप मुझे नहीं चाहिए, आपकी नारायणी सेना जो है वो मुझे चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अभक्त है मायावादी, वो क्या सोचते हैं, ये सारे ऐश्वर्य लेने से मैं सुख की प्राप्ति करूंगा, और मेरा ये जो शरीर है, धन है, देश है, ऐश्वर्य है, समाज है, पति है, पत्नी है, परिवार है, उसका मैं सुरक्षा करूंगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सारा ऐश्वर्य मेरे द्वारा है, और जब मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी शरणागत हो जाओ, मैं आपकी सारी प्रकार से सुरक्षा करूंगा, तो ऐसे लोग मानते हैं नहीं मैं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, मृत्यु के रूप में आके सब कुछ हर लेते हैं, और भक्त जो है वो मान लेता है और भगवान के संरक्षण में चला जाता है। और भगवान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा एक कोई धनी व्यक्ति है और उसके घर में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी हर प्रकार से सुरक्षा वो व्यक्ति करता है, उसी प्रकार भगवान हमारी जो भक्त है उनकी सुरक्षा देते हैं, मतलब चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। जैसे अर्जुन को बताया गया ना कि भगवान ने, अर्जुन ने क्या किया, नहीं बस आप ही मुझे चाहिए, बाकी आपका भले आप कुछ भी करें, भगवान बोलते ना मैं तो वहां पे युद्ध में आके क्या करूंगा, मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला, तो मुझे लेके आप तुम क्या करोगे। लेकिन भगवान अर्जुन बोल रहे भगवान को, नहीं आप भले आप कुछ भी मत करो, लेकिन आप ही मुझे चाहिए। इसी प्रकार का भक्त का स्वभाव होता है कि चाहे जिस किसी शरीर परिस्थिति में हो, जिस किसी शरीर में हो, किस प्रकार की, जिस किसी योनि में क्यों ना हो, वो क्या चाहता है, मम जन्मने जन्मने ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे दुखी, बस यही उनकी कामना होती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो कोई भी स्वर्गलोक या उच्चलोक की कोई कामना नहीं करता है, ये यहाँ पे बताया जाता है। और इस प्रकार जब भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो सारे भोग ऐश्वर्य उनको
उपलब्ध हो जाते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसी जीवन में, लास्ट लाइन में, इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भुगता है। भले ही हम इस चीज को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये सारा आदान प्रदान क्या होता है, भक्त और भगवान के बीच होता है। तो हम साधारण जीव उसको समझ नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो आदान प्रदान होता है वो उस लेवल पर आने के बाद ही समझ सकते हैं। और इसको कौन करने वाला है, इसको समझने वाले, समझ को, इस चीज को समझने के लिए जो बुद्धि होती है वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवत है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ये जो समझने के लिए जो बुद्धि है वो सब कुछ भगवान ही प्रदान करने वाले। तो देखिए ना, मतलब ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, अहंकार, ये जीव के लिए जो शरीर है, ये सारी उसके लिए जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ भगवान ने हमें दे रखा है। और हम क्या हो रहा है यहाँ पे, इस जगत में आने के कारण प्रकृति के 3 गुणों के अंदर फंस जाते हैं और पुनः हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, अपनी स्थिति को भूल के भौतिक भोगों में पड़ के, ये ऐश्वर्य चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पति चाहिए, परिवार चाहिए, ये इसमें फंसे रहते हैं और भगवान को जानने के लिए हम भूल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोला है कि मैंने ये जो धाम है, तुलसी है, भक्त है, इन सब को आपके लिए दे रखा है, आप उनका संग करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार भक्त जो है कभी भी अपनी स्थिति को डिगता नहीं है। जैसे शुद्ध भक्त है, कितने सारे उदाहरण है, भीष्म पितामह है, 5 पांडव है, कुंती महारानी है। सबसे बड़ी यहाँ पे भागवतम में सबसे पहले श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना बताई गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो सोचते हैं, ऐसे कर्मकांडी विभाग में बताया जाता है कि स्त्री के ऊपर कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। मतलब स्त्री कैसे कहा गया है, उसकी बुद्धि थोड़ी कम होती है ऐसे माना गया है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है, अमल पुराण कहा गया है, सभी शास्त्रों का सार कहा गया है, और उसमें ही सबसे पहले श्रीमती कुंती महारानी की, मतलब एक स्त्री द्वारा की गई भगवान की जो प्रार्थना है वो दी गई है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, और एक स्त्री भी उस प्रकार की भक्त बन सकती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको हमें समझना है, और कैसे समझना है, गुरु के मार्गदर्शन से हमें समझना है। और इसके लिए माता जी ने हमें बहुत सुंदर यहाँ पे सुविधा दे रखी है, नित्यम भागवत सेवाया। तो धीरे 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 वो हृदय का शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे हम उस स्थिति पर आने, भले इस जन्म में नहीं, अगले कई 2 4 4 10 जन्म में हो सकता है हम वो स्थिति को प्राप्त कर सके। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।